तीन तलाक के मुद्दे पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक और महिला अधिकारों के खिलाफ है। दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है, यहाँ तक कि पवित्र कुरान में भी तलाक को सही नहीं माना गया है। तीन तलाक के इस्लामिक कानून गलत व्याख्या कर रहा है। तीन तलाक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। बुलंदशहर की हिना और उमरवी की दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने ये बात कही। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को शरीयत के खिलाफ बताया है। बोर्ड के अनुसार इस फैसले को वह ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रशीद फिरंगी का कहना है कि हमारे मुल्क के संविधान ने हमें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी पूरी आज़ादी दी है, इस वजह से हम इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक को लेकर केंद्र सरकार और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ट्रिपल तलाक के खिलाफ विरोध जताया है। केंद्र सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव करता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रिपल तलाक की एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई जगह नहीं है, यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण, अनुचित और अन्यायपूर्ण रवैया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि पर्सनल लॉ को सामाजिक सुधार पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता, तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। वैसे आपको जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि तीन तलाक पर पहले ही कई इस्लामिक देश बैन लगा चुके हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, सूडान और सीरिया शामिल है और करीब 20 देशों में इस संबंध में कानून भी बनाए गए हैं। तो ट्रिपल तलाक का मुद्दा बार बार उठता रहा है और इस पर लगातार बहस जारी है, लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।